फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे तो सक्सेस एडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्टीन ऑफ जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त इससे पहले एक छोटी सी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर वक्त स्वयं को एहसास दिलाइए कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं कभी भी निराश ना होइए निराशा तो कभी कभी आ जाती है तैयारी के दौरान लेकिन अपने आप को मोटिवेट करते रहिए तो हर वक्त स्वयं को एहसास दिलाइए कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं और ईश्वर ने आपको किसी ख़ास मकसद से इस दुनिया में भेजा है देखिए बहुत सारे मित्र जो परीक्षाएं दे रहे हैं लगातार तो परीक्षाओं में असफलता मिलती है तो उस असफलता से परेशान नहीं होना है हो सकता है कि कोई बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है तो इसी जोश और जुनून उत्साह के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नाइन्टीन ऑफ जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने रिसेंटली टिमडअप किया है किस कंट्री के साथ तो इट इज़ विद यूनाइटेड किंगडम ये यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने टिमडअप <coughs> किया है इंडिया का भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारत डायनमिक्स लिमिटेड इट इज़ अ डिफेंस पीएसयू इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड वाज़ इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1970 1970 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई और इंडिया और यूके का ग्लोबल एयरो कंपनी थेल्स है दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू कोलाबोरेट ऑन द स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ भारत का भारत डायनामिक्स लिमिटेड और यूके का ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड द हेड क्वार्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज इन हैदराबाद तेलंगाना इट इज़ ए डिफेंस पी भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज ए डिफेंस पी इट ऑफर्स द सिस्टम टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये भारत डायनमिक्स लिमिटेड जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सिस्टम प्रोवाइड करता है विथ सिक्सटी परसेंट इंडिजीनियस कंटेंट तो साठ प्रतिशत भारतीय उत्पाद के साथ भारतीय निर्माण वाला मतलब इंडियन ओरिजिन का ये उत्पाद देता है और यूके वाज आल्सो न्यूज बिकॉज इट वाज द होस्ट ऑफ जी सेवन सबमिट दैट इनवाइटेड इंडिया आल्सो गूगल हैज रिमूव पर्सनल लोन एप्लीकेशन इंडिया गूगल ने अभी रिमूव किया है पर्सनल लोन एप्लीकेशन इन विच कंट्री सेफ्टी कंसर्न तो गूगल ने रिमूव किया पर्सनल लोन एप्लीकेशन को आ, क्यों देखिए इसका रीज़न समझिए कि पर्सनल लोन एप्लीकेशन जो है वो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म तो गूगल के थे उसके द्वारा जारी, जारी किए जाते थे लेकिन उसमें फ्रॉडुलेंट अनऑथराइज डिजिटल बैंकिंग होता था उस प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पर तो इसलिए आर ने वार्न किया क्या पीपल को कि टू नॉट फॉल प्रे टू द अनऑथोराइज डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप ऐसे अनऑथोराइज डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पर भरोसा ना करें उससे दूर ही रहें तो इसके चलते गूगल ने रिव्यू किया उन अप्लीकेशन को एंड रिमूव दोज विच वे आर इन्वॉल्व इन द फ्राडुलेंट एक्टिविटी तो इस तरीके से गूगल ने उनको रिमूव कर दिया जो फ्रेडुलेंट एक्टिविटीज़ में लीन थे है ना तो फ्रेडुलेंट एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए थे तो उसको रिमूव कर दिया डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट जो है आर बी आई है कॉन्स्टिट्यूटेड ए सिक्स मेंबर कमेटी आर बी आई ने छः सदस्यों वाली एक कमेटी गठित की फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म तो डिजिटल लैंडिंग के लिए ए, के रेगुलेशन के लिए एक कमेटी बनाई है दैट कमेटी वाज हेडेड बाय जयंत कुमार दास जयंत कुमार दास कौन है आर के मैनेजर हैं जयंत कुमार दास इज द मैनेजर ऑफ आर तो ही विल हेड दिस सिक्स मेंबर कमेटी फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल लैंडिंग एंड रिसेंटली आर बी आई के गवर्नर है शक्तिकांत दास नेक्स्ट अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंटर चाइना टू प्रोव द सोर्स ऑफ कोरोना वायरस तो जाहिर सी बात है कि कोरोना वैक्सीन कोरोना वायरस के सोर्स का पता लगाने के लिए डब्ल्यू एच ओ ही जा सकता है तो डब्ल्यू एच ओ हैज़ विजिटेड चाइना टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस अराइव द वुहान सिटी वुहान प्रोविंस ऑफ द

एंड हेड क्वार्टर इज जेनेटरलैंड हेल्थ मिनिस्टर डॉ हर्षवर्धन इज इन न्यूज ही बिकेम द चेयरपर्सन ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द डब्लू एच ओ पेरेंट ऑर्गनाइजेशन ऑफ द डब्लू एच ओ इज यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल एंड तमिलनाडु सेलिब्रेट नेक्स्ट न्यूज हमारा तमिलनाडु सेलिब्रेट थिरुवल्लर थिरुवल्लुअर धीनम टू ऑनर द फेमस फिलोसफर पोएट थिरु वल्लुअर तो थिरु वल्लुअर एक फेमस पोइट है तमिलनाडु के तो थिरुवल्लुवर दिनम मतलब उनका जो डे है उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनको उनको सम्मानित करने के लिए ये मनाया गया तो फेमस पोएट है ये तमिलनाडु के एंड उनका वर्क जो है दैट इज थिरु थिरुक कुल्लर ये थर्टीन हंड्रेड कपलेट्स ऑन इथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये एक कपलेट्स है बुक्स है ऑन इथिक्स एंड पॉलिटिक्स सॉरी इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द विच डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ तमिल मंथ थाई फेस्टिवल मनाया जाता है तो तमिल मंथ uh, थाई थाई एक फेस्टिवल है वहाँ पे, तो तमिल मंथ में था, थाई के सेकेंड डे के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज uh, थिरुवल्वर डे और पंद्रह जनवरी को ये मनाया जाता है फिफ्टीन जनवरी इज ऑल्सो यूज बिकॉज ऑफ

सेलिब्रेट किया था फ़ॉर द इनागोरेसन ऑफ़ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस तो इनका जो इनागुरेशन हुआ था वर्चुअल सेरेमनी यहाँ से हुआ था कोलम से एक ट्रेडिशनल आर्ट है तमिलनाडु का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इन न्यूज़ बिकॉज इट सेलिब्रेटेड फिफ्टी सेवेंथ फाउंडेशन ईयर ऑन फोर्टींथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन चौदह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को इसने अपना सत्तावनवा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इसकी स्थापना जो है उन्नीस में हुई थी इंडो पाक वार उसी साल हुआ था और चौदह जनवरी इज ऑल्सो फेमस फॉर द वेतरण डे फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेतरण डे सेलिब्रेट किया जाता है तो फोर्टीन जनवरी को एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज ए स्टेच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मंत्रालय कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये एक स्टेचुट्री बॉडी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट कम्स अंडर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन एक्ट देखिए एफ या कोई भी स्टेचुट्री बॉडी है उसकी स्थापना एक एक्ट के तहत होती है तो एफ सी आई इज इस्टैब्लिश बाई द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन एक्ट उन्नीस और उसके बाद उन्नीस में इसकी स्थापना हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड थे रामविलास पासवान वो रिसेंटली पासड अवे और उनके बाद ये चार्ज किसको दिया गया है पीयूष गोयल well को जो रेल मंत्री हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर सी तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सी एस आई आर एन आई एस सी पी आर इट इज़ बाई द मर्जर ऑफ़ एन आई एस सी ए आई आर और एन आई एस टी ए डी एस तो एन आई एन आई एस सी ए आई आर और एन आई एस टी ए डी एस मतलब एन आई एस सी ए आर का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और एन आई एस टी ए डी एस नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इस्टीज़

मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है डॉक्टर शेखर मांडे सी जनरल है प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं सी के सी एस आई आर की स्थापना उन्नीस में हुई थी उसी समय हुई थी जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स परमिटेड टू क्लासिफाई एक्सपेंडिचर मेड ऑन कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन अवेयरनेस अंडर द सी एस आई सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आई आर के अंतर्गत वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है अंडर द सी एस आर सी एस आर एक्टिविटीज़ डिफाइंड एंड लिस्टेड इन द सेवन शेड्यूल ऑफ़ द कंपनी एक्ट दो हज़ार तेरह कंपनी एक्ट दो हज़ार तेरह के अंतर्गत सी एस आर एक्टिविटीज़ लॉन्च किया गया और ये सी एस आई सी एस आर के अंतर्गत की जो भी भारत में कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं वो कुछ पैसा खर्च करेंगे हमारे देश के लिटरेसी कैंपेन में वुमेन इम्पावरमेंट में सोशल इम्पावरमेंट में इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट द सी एस आर स्पेंडिंग एकदम जरूरी ही है सी एस आर इस्पेंडिंग एकदम जरूरी है भारत ने ये मैंडेट कर दिया है और सी एस आर जो है वो गवर्न इट इज़ गवर्न बाई द क्लॉज वन थर्टी फाइव ऑफ द कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन दो हज़ार तेरह कंपनी एक्ट के अनुसार क्लॉज वन थर्टी फाइव में ये मेंशन किया गया है नेक्स्ट जो न्यूज है एल तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन इट इज द हिंदुस्तान मैनुफेक्चर लिमिटेड इट इज डिफेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द हेड क्वार्टर ऑफ हॉल इज इन बेंगालुरु एटी थ्री लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट कॉस्ट इनका है अड़तालीस हजार करोड़ रुपए दीज एयरक्राफ्ट आर डिजाइंड एंड मैनुफेक्चर्ड बाई स्टेट रन हिंदुस्तान एयरॉटिक्स लिमिटेड हेड क्वार्टर इज़ इन बेंगलुरु एंड इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड हॉल तो इंडियन एयर फोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड साइन बाई मार्च 2021 ट्वेंटी मार्च तक ये साइन किया जाएगा हॉल का चेयरपर्सन कौन है द चीफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज आर माधवन आर माधवन हॉल के चेयरपर्सन हैं चीफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सॉफ्टवेयर जॉइंटली लॉन्च बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन तो उस सॉफ़्टवेयर का नाम है कोलैब कैड कोलैब कैड इज़ द सॉफ्टवेयर लॉन्च बाई द नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इट विल अलाउ स्टूडेंट्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई थ्री डी डिजिटल डिज़ाइन विद ए फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिव वुड अलाउ स्टूडेंट्स टू क्रिएट ए क्रिएट एंड मॉडिफाई थ्री डी डिजिटल डिजाइन विद ए फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन एन आई सी सी बी एस ई एंड अटल इनोवेशन मिशन ये तीनों मिल करके दे विल रिलीज कॉम्प्रीहेंसिव ई बुक ऑन कोलैब कैड कोलेब कैड थ्री डी मॉडलिंग है तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सी बी एस ई एंड अटल इनोवेशन मिशन दे विल ज्वाइंटली रिलीज अ कॉम्प्रहेंसिव ई बुक ऑन कोलैब कैड थ्री डी मॉडलिंग अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है एंड नीति आयोग इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड पी एम इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग एंड एन आई एन आई सी नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ विश्वजीत चटर्जी विश्वजीत चटर्जी इज इन न्यूज ही इज सेलेक्टेड एज द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ़ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट वॉज हेल्ड इन द गोवा तो आई एफ एफ आई गोवा में विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ़ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एडेप्टन गैप रिपोर्ट एडप्टेशन गैप रिपोर्ट इज़ रेज बाई द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड अडेप्टन साइंस प्रोग्राम नहरूबी केनिया में हेल्ड हुआ है तो अडेप्टन गैप रिपोर्ट किसने रिलीज किया इट इज़ रिलीज बाई द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड एप्लीकेशन साइंस प्रोग्राम इट इज़ हेड क्वार्टर ऑफ़ द दिस इज़ नैरोबी केनिया नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल संदीप अग्रवाल संदीप अग्रवाल इज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अच्छा चेयरपर्सन है ये संदीप अग्रवाल देखिए द कॉमनवेल्थ ऑफ़ क्रिकेट ये एक बुक है दिस बुक इज़ रिलीज बाय रामचंद्र गुहा आर रामचंद्र गुहा ने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट एक बुक लिखा है अच्छा नेक्स्ट जो न्यूज़ है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लॉन्च बाई द निशा बिस्वाल निशा बिस्वाल इज़ द प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन आर किरण मजूमदार सॉ मिलिन पंथ एंड एडवर्ड नाइट देखिए प्रेसिडेंट कौन है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के निशा बिस्वाल है और वाइस चेयरमैन है किरण मजूमदार साह एंड एडवर्ड नाइट तो किरण चेयरमैन ऑफ द एक्स चेयर पर्सन ऑफ द बायो कॉम बायो कॉम यूएस बेस्ड कंपनी तो किरण मजूमदार साह इज द एक्स चेयरपर्सन ऑफ द बायो कॉम मिलिंद पंथ इज दीईओ एम एमए एक कॉर्पोरेशन है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो मिलिंद पंत जो है इसके सीईओ हैं एंड डैग के चेयरपर्सन है एडवर्ड नाइट तो किरण मजुमदार साह मिलिंद पंत एडवर्ड नाइट ये तीनों जो है इंडो अमेरिकन हैं एंड दे आर द वाइस चेयरमैन ऑफ द यू इंडिया बिजनेस काउंसिल और निशा बिस्वाल तो प्रेसिडेंट है नेक्स्ट जो है सक्षम कैंपेन सक्षम कैंपेन इज ए स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी एंड फील्ड कंजर्वेशन सक्षम कैंपेन इज अबाउट द स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी एंड फील्ड कंजर्वेशन इट इज अंडर द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पी सी आर ए इट वॉज लॉन्च बाई दी सी आर ए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन वन स्कूल वन आई एस प्रोग्राम इट इज लॉन्च बाई विच स्टेट तो इट इज लॉन्च बाई द केरला गवर्नमेंट फ्री कोचिंग फॉर यू पी एस सी स्कूल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो यू पी एस सी सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन के लिए इट इज अ फ्री कोचिंग यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक मिलियन आउटसाइड इंडिया से ज्यादा लोग भारत से बाहर रहते हैं तो यूनाइटेड uh, जिसमें इंडिया सबसे फर्स्ट पोजिशन पे है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कम्युनिटी है जो अट्ठारह मिलियन भारत से बाहर रहते हैं इंडिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है मैक्सिको सेकेंड पोजिशन पे और रसिया थर्ड पोजिशन पे किस लिए कितने लोग भारत से बाहर रहते हैं मतलब किसी कंट्री से सबसे ज्यादा पीपल बाहर रहते हैं तो ये इंडिया से है फर्स्ट की लार्जेस्ट ट्रांस नेशनल कम्युनिटी नेशनल इनोवेशन पोर्टल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल इनोवेशन पोर्टल ये नेशनल फाउंडेशन डे तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है अंडर द साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसके अंदर दो है एक तो डी है और एक दूसरा है डीबीटी तो डीबीटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एनडीआरएफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो एन डी आर एफ इज सेलिब्रेटेड ऑन एटीन ऑफ जनवरी वॉट इज एन डी आर एफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अमित शाह इज द करेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रक्षिता रक्षिता इज ए इनिशिएटिव बाय डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षिता रक्षिता इज ए बाइक एम्बुलेंस इन द नक्सल अफेक्टेड एरिया कोई भी इंजरी हो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बाइक एम्बुलेंस एक जारी किया गया है रक्षिता बाय द डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ मनीष कुमार मनीष कुमार इज द फर्स्ट टू रिसीव द सैनिट बेस्ट सैनिटेशन वर्कर अवार्ड फॉर द कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के लिए नीष कुमार को और सी पी सी बी इज करेंटली इन न्यूज बिकॉज टेन परसेंट ई वेस्ट वॉज कलेक्टेड इन द टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो सी पी सी बी स्टैंड फॉर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ई वेस्ट इज नॉट इट इज़ कलेक्टेड दैट इज ई वेस्ट सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट है इट मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट कम्स अडर द मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच इज नॉट इन यूज इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ये वाटर एक्ट 1974 में आया था तो ई वेस्ट क्लिनिक व सेटअप एट मध्य प्रदेश भोपाल विद द कोलाबोरेशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीपीसी किसके अंतर्गत आता है तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है एंड इट वॉज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन नाइनटीन सेवेंटी फोर के अंतर्गत तो सी पी सी बी एक स्टेचुटरी बॉडी है इट कम्स अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर अभी हम रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं नाइन्टीन ऑफ जनवरी के तो चलिए ऑन विच डे आर्म्ड फोर्सेस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए प्राइवेट कंपनी टू प्रोक्योर हाई अल्टीट्यूड स्विच ड्रोन्स फॉर यू एस डॉलर ट्वेंटी मिलियन तो ये क्वेश्चन देखिए डे नहीं होगा ऑन विथ विच कंट्री विथ विच ऑर्गेनाइजेशन तो इट इज़ आइडिया फोर्ज है ना एक मुंबई बेस्ड ड्रोन कंपनी है फॉर द अनमैंड एरियल व्हीकल के लिए ये, ये आप, आपका इंडियन आर्मी ने आइडिया फोर्स के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द स्विच ड्रोन्स ये ड्रोन है तो ट्वेंटी मिलियन यू डॉलर इस पर खर्च आएंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवे द यू एस डॉलर वन पॉइंट नाइन ट्रिलियन कोविड नाइन्टीन रिलीफ़ फंड तो अभी आपको पता ही होगा जो बाइडेन ने जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक दसमलव नौ ट्रिलियन कोविड नाइन्टीन रिलीफ पैकेज लॉन्च किया है नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन विच टेक्नोलॉजी मेजर रिसेंटली एक्वायर्ड फिटबिट फिटनेस एप्लीकेशन ये फिटबिट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड बेस दो तो हेल्थ एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट जारी करता है तो इसको 2.1 बिलियन यूएस डॉलर से गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया है तो गूगल एक बहुत ही बड़ी टेक जॉइंट है विच एक्वायर्ड फिटबिट इन 2.1 बिलियन यूएस डॉलर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जेम्स नैसमिथ हु वाज एसोसिएटेड विद द गेम तो जेम्स जो है इंडो अमेरिकन सॉरी अमेरिकन कैनेडियन एडुकेटर है तो सॉरी ये गेम नहीं होगा ये फील्ड होगा विच फील्ड में तो ये एडुकेटर है अमेरिकन कैनेडियन एडुकेटर है जेम्स नेक्स्ट है When is the Armed Forces Veterans Day celebrated in India? It is celebrated on the 14th of January. Juri Ratas, who अभी हमने देखा था कि Juri Ratas he is, uh, he has recently resigned from the Prime Minister of Estonia. The Estonia के प्रधानमंत्री पद से Juri Ratas ने uh, resign किया है Estonia के प्रधानमंत्री पद से. Who is the RBI's वर्किंग ग्रुप ऑन रेगुलेशन ऑफ डिजिटल लैंडिंग स्पेस तो आर के डिजिटल लैंडिंग स्पेस के अभी हेड कौन है छः सदस्यों की एक कमिटी है तो जयंत कुमार दास सिक्स मेंबर कमिटी के ये हेड हैं एंड ही इज करेंटली द आर बी आई मैनेजर जयंत कुमार दास ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल पद्मश्री अवार्डी डी प्रकाश राव हुई एसोसिएटेड विद द विच फील्ड तो पद्मश्री अवार्डी डी प्रकाश राव ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये एक टी सेलर हैं कटक में कटक में एक टी सेलर थे हु स्पेंट हीज़ अर्निंग टू एडुकेट स्लम चिल्ड्रन झूँगी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी कमाई से जो एक चाय बिक्रेता है कटक में और अपनी कमाई से आ, इन्होंने एक स्कूल खोला है उस स्कूल का नाम है आशा ओ अश्व आश्वासन आशा ओ आश्वासन देखिए ये बंगला वर्ड है आशा ओ आश्वासन तो आश्वासन और आशा के साथ होप और प्रॉमिस के साथ तो इस स्कूल का नाम है आशा ओ आश्वासन तो इस स्कूल को चलाया है किसने डी प्रकाश राव टी सेलर इन कटक 2000 में ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ है और इक्कीस सालों में ये पद्मश्री अवार्ड इनको मिला इक्कीस सालों में व्हेन इज़ द इंडियन आर्मी डे इज़ सेलिब्रेटेड तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फिफ्टींथ ऑफ जनवरी तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इस तरह से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस एडू को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस एडू से जुड़ें अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर किसी को ये कंटेंट मिले तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच